जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में माता के सभी मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। ऐसे में आज हम आपको भोपाल के एक चमत्कारी मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। इस मंदिर की खासियत है उल्टे परिक्रमा लगाना। मंदिर से जुड़े कई रोचक किस्से हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हर सिद्धि माता के दर्शन कर लीजिए। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर बैरसिया के करीब तरावली गांव है। यहीं पर मां हरिसिद्धि के दरबार में मन्नत पूरी करने के लिए भक्त उल्टे फेरे लगाते हैं। भक्तों की आस्था है कि यहां उल्टे फेरे लगाने से उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। बता दें कि यहां हर साल नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैं आज तरावली मंदिर में श्री माता रानी के दर्शन के लिए अपने श्रद्धा भाव से विथ परिवार सहित भोपाल से आया हूँ और माता रानी से यही कृपा करते हैं, मांगते हैं मन्नत कि पूरे अपने भारतवर्ष में एवं सभी के घर में बढ़िया सुख शांति बनाएं एवं अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंदिर के महंत मोहन गिरी ने बताया कि तरावली स्थित माँ हरसिद्धि के मंदिर में सामान्य रूप से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और सीधी परिक्रमा लगाते हैं, और जो श्रद्धालु माँ से कुछ खास मन्नत मांगते हैं वो उल्टी परिक्रमा करते हैं, और जब इनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु माता का शुक्रिया अदा करने पहुँचते हैं और सीधे परिक्रमा करते हैं। खास बात यह है कि जिन भक्तों को संतान नहीं है वो महिलाएं मंदिर के पीछे की ओर स्थित नदी में स्नान करने के बाद माँ की आराधना करती हैं। ये माँ हरसिद्धि हैं और इनके तीन स्थान हैं। उज्जैन में माता जी का सिर है, यहाँ तरावली में माता जी का धड़ है और काशी जी में माता जी के चरण है। काशी जी में अन्नपूर्णा जी के नाम से जानी जाती है माता जी, यहाँ पर हरसिद्धि के नाम से तरावली में, और उज्जैन में माँ जो है हरसिद्धि के नाम से जानी। उज्जैन में छिपरा जी माता जी के पीछे से बह के निकलती हैं, यहाँ पर बाँव नदी पीछे से बह के निकलती हैं, और काशी जी में गंगा जी माता जी के पीछे से निकल के बहती हैं। तीनों छोटे छोटे स्थान मंदिर हैं मतलब, और यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं, जिनको बाल बच्चे नहीं होते वो भी आते हैं, जिनको तकलीफ होती वो भी आते हैं। उल्टे परिक्रमे का ऐसा है यही लगाते हैं जिनको जैसे विधायक चुनाव जीतना है, जिनको बाल बच्चे नहीं होते, जिनको माता बहनों को सारी तकलीफ होती है, और भी जिनकी मनोकामनाएँ हैं अनेक प्रकार से, वो सब माता जी के यहाँ पर एक नरियल ज्योति की भेंट रख करके उल्टे परिक्रमा लगाते हैं, और इसके बाद में जब कार्य उनका हो जाता है तो सीधे परिक्रमा लगाती हैं। वो तो धर्मपुर माता जी को जो उनको बनता है ज्योत के लिए घी तेल, कन्या भोजन, अन्नदान जो भी उनसे जो बनता है करती माता जी। तरावली के महंत मोहन गिरी के अनुसार वर्षों पूर्व जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक हुआ करते थे, उस समय विक्रमादित्य काशी गए थे। यहाँ पर उन्होंने माँ की आराधना कर उन्हें उज्जैन चलने के लिए तैयार किया था। इस पर माँ ने कहा था कि एक तो वो उनके चरणों को यहाँ पर छोड़कर चलेंगी, इसके अलावा जहाँ सवेरा हो जाएगा वो वहीं विराजमान हो जाएंगी। इसी दौरान जब वो काशी से चले तो तरावली स्थित जंगल में सुबह हो गई। इससे माँ शर्त के अनुसार तरावली में ही विराजमान हो गई। इसके बाद विक्रमादित्य ने लंबे समय तक तरावली में माँ की आराधना की। फिर से जब माँ प्रसन्न हुई तो वो केवल शीश को साथ चलने पर तैयार हुई। इससे माँ के चरण काशी में है, धड़ तरावली में है और शीश उज्जैन में है। उस समय विक्रमादित्य को स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता थी, तब माँ ने अपने हाथ से जल धारा दी थी। इससे वाही नदी का उद्गम भी तरावली के गांव में ही हुआ है और उसी समय से नदी का नाम वाही नदी रखा गया है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।